हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ वुल्वरीन के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में आपको कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं मिलेगा, ना ही कोई न्यूज मिलेगी। ये एक सिर्फ कह सकते हो मन की तमन्ना है किसी की। अब वो किसकी तमन्ना है कि वुल्वरीन वापस आए, और वो भी ह्यूग जैकमैन के साथ। रॉब जो कि अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर हैं, जिन्होंने वुल्वरीन के कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी, जब फॉक्स यूनिवर्स वुल्वरीन की मूवी बना रहा था, जब एक्समैन के साथ वुल्वरीन को डाल रहा था, तो रॉब वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मूवी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी और इस कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी। अब फॉक्स और मार्वल की तो डील हो चुकी है, सभी को पता चुका है। और देन वहाँ पर क्या हुआ कि रॉब शायद मार्वल स्टूडियो से मिले होंगे या फिर केविन फैगी से मिले होंगे, उन्होंने एक्समैन के कैरेक्टर को लेकर कुछ बात करी, तो वहाँ पर आंसर ये आता है कि ज़ीरो, यानी कि मार्वल स्टूडियो के पास कोई भी वुल्वरीन को लेकर या फिर डेडपूल को लेकर या फिर एक्सफोर्स मूवी को लेकर कोई भी प्लान नहीं है। जी हाँ, मार्वल ने ऐसा कुछ भी नहीं सोच रखा है। बट यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि मार्वल स्टूडियो जो भी करता है काफ़ी कुछ सोच समझ के करता है, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि ये काफ़ी बड़े कैरेक्टर हैं और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ इनको ऐड करना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग, उसके साथ डायमेंशन को क्लैश करना, ये सब पॉसिबल नहीं है। और देन जो हॉलीवुड वॉचर्स हैं, अब मैं यहाँ पे मार्वल डीसी फैन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी देखते होंगे और काफ़ी लोगों ने टाइम ट्रैवलिंग मूवी देखी होगी, डायमेंशन वाली मूवी देखी होगी, उस चीज को और उस टाइप की मूवी को क्रिएट करना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। तो यहाँ पर केविन फैगी और मार्वल स्टूडियो ने सोच तो रखा होगा, बहुत कुछ सोच रखा होगा, पर वो ये सोच रहे होंगे कि इनको कनेक्ट कैसे करा जाए। तो यहीं पर इसलिए शायद रॉब से उन्होंने ये बोल दिया होगा कि कोई भी प्लान नहीं है। तो गाइस, ये तो डिसअपॉइंटेड वाली बात है कि मार्वल के पास कोई प्लान नहीं है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि मार्वल ने जो भी सोच रखा होगा इन फ्यूचर बहुत बड़ा सोच रखा होगा। पर मैं यहाँ पे मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद मार्वल को कम से कम डेडपूल 3 तो बनानी चाहिए यार, भले एक डायमेंशन में अलग बनाए, भले कनेक्ट करने का कोई जरिया ना दें, पर कम से कम मूवी की रिलीजिंग डेट तो बता दें कि 2022 में रिलीज होगी, कब रिलीज होगी, उसी से थोड़ा मार्वल फैन खुश हो जाए। तो गाइस, आज का अपडेट तो बस यही था, और देन जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस गाइस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye.